ओम शांति। राजनीतिज्ञ के लिए एक सुंदर सम्मेलन का आयोजन किया गया था 23 सितंबर से 27 सितंबर तक, जिसका थीम इस साल रखा हुआ था दया और करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण। और इस थीम पर बहुत सुंदर विचार बाहर आए, क्योंकि आध्यात्मिक सशक्तिकरण के बिना संसार के अंदर दया और करुणा की भावना को ला नहीं सकते हैं। परमात्मा को इसीलिए कहा जाता है दयालु या करुणा निधान कहते हैं। वो परमात्मा ही आकर के हम सब पर दया और करुणा बरसाते हैं, लेकिन उसका बरसाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान से पहले हर आत्मा स्वयं का सशक्तिकरण करे, ये विधि है। आध्यात्मिक ज्ञान वो खुराक है आत्मा के लिए, जिससे आत्मा शक्तिशाली बनती है। आज प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो जैसे शरीर के अंदर भी फिजिकल इम्यूनिटी बहुत जरूरी है, तब व्यक्ति हर प्रकार का कार्य कर सकता है। ठीक इसी तरह आत्मा में भी जब तक आध्यात्मिक ज्ञान रूपी खुराक न आए तो आत्मा में भी ताकत नहीं आ सकती, शक्ति नहीं आ सकती है। और आज प्रैक्टिकली दुनिया में देखा जाता है कि हर एक के अंदर यही स्पिरिचुअल इम्यूनिटी की कमी आ गई है। स्पिरिचुअल इम्यूनिटी जब कम हो जाती है तो अनेक प्रकार की दुर्भावनाएं व्यक्ति के जीवन के अंदर आने लगती है। मनुष्य न चाहते हुए भी गलत कार्य में इन्वॉल्व हो जाता है, बाद में पश्चाताप भी करता है, करना तो नहीं चाहता था लेकिन हो गया। क्यों हो गया? स्वयं को कंट्रोल करने की शक्ति नहीं थी। तो इस सम्मेलन में राजनेताओं से यही आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन के अंदर धारण करने की एक सुंदर अपील की गई, ताकि वह भी अपने जीवन को सशक्त करे, अर्थात पहले पहले स्वराज्य अधिकारी बने, अपनी इंद्रियों के ऊपर राज्य अधिकार प्राप्त करे, तब वो दूसरों को भी सहजता से जिस दिशा में मोड़ना चाहे उस दिशा में मोड़ सकता है। तो बहुत सुंदर ये आध्यात्मिक सम्मेलन रहा, और हर एक राजनेताओं ने भी ये हाथ उठा करके कहा कि हम सभी आध्यात्मिक ज्ञान का श्रवण करेंगे और अपने जीवन में उसको धारण करने का पुरुषार्थ करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, ओम शांति, नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ओम शांति। जाने वाला है आने वाला पल, जाने वाला है हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल, ये भी जाने वाला है। ओ, नमस्कार, ओम शांति। मैं हूँ रविंद्र भंडारी और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। ओम शांति। ओम शांति। पुरुषोत्तम लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम शांति। और मैं चाहूंगा कि आप विधायक हैं और पॉलिटिकल विंग का जो कॉन्फ्रेंस है ब्रह्म कुमारी में चल रहा है जी, उसमें आप एज ए विशेष अतिथि के रूप में आए हैं जी। तो आपको यहाँ आकर जो अनुभव हो रहा है वो भी बताइए, और वर्तमान में जो पॉलिटिशियंस काम कर रहे हैं और इस क्षेत्र में क्या बदलाव आप सोचते हैं
जी जी ब्रह्म कुमारी ईश्वरी महाविद्यालय में जो राजनेता सम्मेलन में करुणा और दया आध्यात्मिक सशक्तिकरण का प्रोग्राम चल रहा है, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस कार्यक्रम में परमपिता ब्रह्मा जी ने आने का अवसर प्रदान किया। राजनीति क्षेत्र में इस कार्यक्रम का अहम महत्व है क्योंकि हम सभी जनता के सेवक हैं। यदि हमारे भीतर दया करुणा का विकास होता है एवं दया करुणा के साथ हम जनता की सेवा करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, तो निश्चित रूप से समाज को, क्षेत्र को और इस देश को करुणा और दया के द्वारा जो सेवा भाव किया जाएगा उसका लाभ मिलेगा। और जैसा कि हमारा सबका लक्ष्य है, हम भारत को पुनः हैं उसी विश्व गुरु की पदवी पर विराजमान देखें, ये संभव हो सकता है सेवा के द्वारा, दया और करुणा के द्वारा। विधायक सर, मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, अब तक की जो सेवाएं आपके द्वारा आपके क्षेत्र में हुए हैं उसके बारे में भी बताइए। मैं जुलाई 78 से भारतीय स्टेट बैंक मध्य प्रदेश में कैशियर कम क्लर्क की सेवा पर नियुक्त हुआ था, अभी सितंबर 18 में प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्ति हुई एवं नवंबर 18 में विधायक के द्वारा पुनः जनता की सेवा करने का अवसर मिला। वैसे मैंने अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाया था वो परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता प्रतिदिन कि मेरे कर्म और वचन से कोई ऐसा कार्य ना हो जिसमें किसी भी जीव का अहित हो, किसी भी जीव का आत्मा दुखे। तो मैं प्रयास करता हूँ जो भी कार्य करता हूँ इसी मनोभाव को लेकर कि हमारे किसी कर्म या हमारे किसी वचन के द्वारा किसी भी जीव, चाहे इंसान हो चाहे कोई भी जीव हो, उसका अहित ना हो, उसका मन ना दुखे। तो हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार वह हमें शक्ति प्रदान करे, संबल प्रदान करे, जिसमें हम समाज की सेवा लगातार करते रहें। एक संदेश के रूप में आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को? हम लोगों को बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, और जैसा कि अनेक सामाजिक सेवा एवं धार्मिक संस्थाएं अपने अपने प्रयासों से, अपने अपने विचारों से जनता को संदेश देना चाहती हैं, यह युग परिवर्तन की बेला का है। ईश्वर ने अनेक प्रकार से हमें संदेश दिए हैं युग परिवर्तन की बेला के। हमें सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए उस युग परिवर्तन की बेला में अपने द्वारा जो भी सेवा के कारण इस प्रकृति में, इस जगत में किसी भी जीव के प्रति, किसी भी प्रकृति के प्रति कर सकें। जैसा कि हम आज अपने देश में देखते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक अलग सेवा भाव से, एक अलग सोच से देशवासियों की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। 16-16, 18-18 घंटे सिर्फ देश के विकास में और समाज सेवा में विचारशील रहते हैं। इवन विदेश यात्रा में जाते हैं तो हमारे देश के लिए
समय ज्यादा से ज्यादा निकालने के लिए वह है प्लेन में भी अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा समय हम अपने देशवासियों की सेवा में और अपने देश का मान बढ़ाने में विश्व के सामने समय दे सकें। तो निश्चित रूप से चाहे वो राजनीति क्षेत्र हो, चाहे वो सेवा का क्षेत्र हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, सभी जगह से प्रयास हो रहे हैं कि हमारा देश पुनः उसी विश्व गुरु की पदवी पर विराजमान हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। धन्यवाद ओम शांति। नमस्कार जी। नमस्कार। अभी हमारे साथ मोहन लाल जी हैं, राई के एमएलए हैं, उनसे हम लोग बातें करेंगे। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि वो अपने बारे में बताएं। स्वागत है। हम हरियाणा प्रदेश की उस पावन पुत्र भूमि से यहाँ माउंट आबू शांति कुंज और परमपिता ब्रह्म कुमारी आश्रम में 23 तारीख से जो 27 का राजनीतिक सम्मेलन है उसमें भाग लेने के लिए आए हैं। और कल विधिवत उद्घाटन हुआ और आज 270 अभी तक हुए हैं। और जिस प्रकार की चर्चा यहाँ पर हुई है और जो राजनीति में दया और करुणा का आध्यात्मिक सशक्तिकरण विषय को लेकर जो सभी ने चर्चा की है, बहुत अच्छा विषय है। क्योंकि राजनीति के अंदर दया और करुणा का भाव होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक जन सेवक अगर जनता की सेवा करना चाहता है तो उसी भाव से उस प्रकार का संस्कार, उस प्रकार का विचार, उस प्रकार का चिंतन, उस प्रकार का सब अध्ययन अगर करना है तो इस प्रकार का जो ये 3 दिन का सम्मेलन रहेगा इसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा। पूरे इतिहास के बारे में, पूरे विश्व के बारे में जिस प्रकार से परमपिता परमात्मा ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय ज्ञान योग की जितनी भी हमारी बहनों के द्वारा 140 देशों के अंदर जो प्रचार जिस प्रकार से किया जाता है कि एक जो सनातन धर्म जो सतयुग काल से लेकर आज तक की वो कहीं ना कहीं हर विचार में चर्चा होती है। और बार बार महाभारत के गीता की भी चर्चा करते हैं तो तभी मुझे ध्यान में आता है कि जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया और द्वारका नगरी को बसाया और जब न्याय और अन्याय का फैसला करने का समय आया तो उन्होंने कुरुक्षेत्र हरियाणा प्रदेश की भूमि को चुना और उसी हरियाणा प्रदेश की भूमि से हम आए। और ये संदेश जो गीता का संदेश हर वक्ता किसी न किसी अपने वक्तव्य में किसी न किसी अध्याय की चर्चा करता है और जो दूसरे अध्याय में आत्मा का बारे में जो भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया और उस भूमि का प्रताप था कि जब अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों को देख कर और पूरा घूमकर जिस प्रकार से उसने देखा कि मैं किस से युद्ध करूंगा। और यहाँ भी जब कोई वक्ता बोलता है तो चुनाव लड़ना है, कहीं ना कहीं लड़ने की बात आती है। तो अर्जुन ने भी इतना शक्तिशाली होते हुए भी अनेक युद्ध अर्जुन ने अपनी अकेले अपनी शक्ति से जीते, लेकिन जब अपनों से लड़ाई की बात आई तो वो भी नर्वस हुए। और उस नर्वसता को दूर करने के लिए जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से जो ज्ञान दिया कि लड़ाई अपनों से भी होती है और एक सत्य और असत्य का भी होती है, उसी प्रकार की लड़ाई आज के समाज में जो राजनीतिक लोगों की भी रहती है, विचारों की लड़ाई, सिद्धांतों की लड़ाई, तो आज के राजनेताओं ने उसी प्रकार से गीता से बहुत कुछ सीखते हुए और इस प्रकार का जो आज ये 3 दिन का राजनीतिक सम्मेलन या ब्रह्म कुमारी माउंट आबू में जो हो रहा है,
इससे भी बहुत कुछ उसी प्रकार से सीख कर जाए और दया और करुणा का जो भाव लेकर जनता की सेवा की जाए। बहुत बड़ा विषय है, बहुत अच्छा विषय है और बहुत जरूरी विषय है, क्योंकि जो हम कल्पना करते हैं कि राम राज आएगा, सतयुग आएगा, वो तभी आएगा जब हम अपने आप में सुधार करेंगे। जनता, जिस प्रकार से लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि अगर देश की जनता एक कदम भी चले तो 130 करोड़ लोग एक कदम भी चलेंगे तो देश 130 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा, उसी प्रकार से आज का जो विचार ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय से जो निकलकर पूरे देश और प्रदेश में जाएगा, उससे मुझे लगता है कि राजनीति में भी, समाज में भी और विचारों में भी बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, देश को इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। जी जी, मोहनलाल जी एक बात और पूछना चाहूँगा कि आप जब से एमएलए बने हैं तब से कौन कौन से अपने क्षेत्र में कार्य किए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जब से मैं विधायक बना हूँ 2019 से, अपने विधानसभा में 27 सड़कें जिनका नाम निर्माण हुआ है और अच्छे से उन सड़कों का निर्माण हुआ है। राय विधानसभा में 12 लेन का नेशनल हाईवे बना है। राय विधानसभा में 334B जो नेशनल हाईवे 4 लेन बना है और बहुत सारी सड़कें मार्केटिंग बोर्ड से बनी है, बहुत सारे पुलों का निर्माण हुआ है और जो स्कूलों की जिस प्रकार से जरूरत थी, स्कूलों के कमरों के निर्माण की बात थी, वहाँ लैब का निर्माण करना, बच्चों के पढ़ाई के लिए करना, कई स्कूल का सौंदर्यकरण का काम करना और बहुत सारे गांव में हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत थी तो उनके लिए CHC बनवाना, PHC बनवाना और मेडिकल के लिए सेंटरों का निर्माण करवाना और बड़खालसा के अंदर CHC बिल्डिंग का नया निर्माण करवाना, नारी में और खेवड़ा गांव में PHC का निर्माण करवाना जी, और खेवड़ा गांव में ही एक प्रपोजल है 100 बेड का और एक ट्रामा सेंटर का निर्माण करना, बालगढ़ फ्लाईओवर के साथ नेशनल हाईवे 44 नंबर पर एक पोर्ट बस अड्डा जो बनना है उसकी कार्य तैयारी पे है, उसका जल्दी से निर्माण करना, बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो बिजली की समस्या, क्योंकि एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है बहुत बड़ा राय का, एजुकेशन सिटी है राय में और वहाँ राय एक ऐसा एरिया है जिसमें बाहर से बहुत सारे रोजगार करने के लिए आते जो लोग आते हैं, करीब आज राय विधानसभा के 182,000 वोट है और मैं मानता हूँ कि आबादी 6 लाख से ऊपर है। अच्छा। तो 2 लाख के करीब तो ऐसे लोग हैं कि जो प्रवासी मजदूर हैं, प्रवासी काम करने के लिए आते हैं, अपना काम करके वापिस चले जाते हैं, इस प्रकार का ये विधानसभा का क्षेत्र है जी, और इसमें बहुत अच्छे से बहुत सारे प्राइवेट बिल्डरों के द्वारा 26 कॉलोनी नई विकसित हुई है, तो एक बहुत ही मॉडर्न तरीके से राय विधानसभा में विकास के काम हुए हैं, अच्छे से हुए हैं और 4 पावर हाउस नए निर्माण हुए हैं, 2 पावर हाउस अपग्रेड हुए हैं और 2 पावर हाउस अभी पाइपलाइन में है, एक पलड़ी गांव में बनना है, एक मनोली या खुरमपुर दहिसरा की बेल्ट जो मेरी है उसके साथ बनना है जी, एक बहुत जरूरी सड़क है जो दहिसरा 0 पॉइंट से लेकर मीमारपुर तक बननी है, वो भी उसकी प्रपोजल तैयार है, तो यमुना की बेल्ट का यमुना के साथ साथ लगता हुआ ये राय विधानसभा क्षेत्र है, एक तरफ दिल्ली लगता है, एक तरफ हरियाणा लगता है, एक तरफ उत्तर प्रदेश लगता है, इस प्रकार से 3 प्रांतों का संगम इस विधानसभा में है जी। तो बहुत अच्छे से यहाँ विकास के काम करवाने का मेरा प्रयास है और ये कोविड काल का जो समय रहा इसमें बहुत सारे काम कोविड के लिए हमने किए, वैक्सीन के टीके लगवाने का हो, दवाइयाँ देने का हो, भोजन की व्यवस्था करने का हो। अच्छा, वहाँ की थोड़ी संस्कृति के बारे में बताइए सर। वहाँ राय विधानसभा का जो क्षेत्र है वो बहुत ही सरल स्वभाव के लोग हैं, बहुत अच्छे
मैं जिसको कहूंगा कि पूरे भारत का कोई व्यक्ति अगर देखना है तो अराई विधानसभा में मिल सकता है। इस प्रकार की ये विधानसभा है गुड़गांव और फरीदाबाद के बाद, अगर कोई तीसरी विधानसभा है तो वो राई है। इस प्रकार की डेवलपमेंट यहाँ हुई है, दिल्ली के नज़दीक है, और यहाँ पर मेट्रो का भी प्रपोजल है जो कुंडली से अभी सोनीपत तक प्रपोजल पास हुई है, और रैपिड रेलवे का भी एक प्रपोजल है जो जीटी रोड नेशनल हाईवे 44 के साथ जो सीधी कश्मीरी गेट से पानीपत तक और फिर उसके बाद करनाल तक जाएगी। ये बहुत ही इस विधानसभा के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश में यूनिवर्सिटियां खूब है, लेकिन अकेली राय विधानसभा में 8 यूनिवर्सिटी होना, एजुकेशन सिटी का होना, ये इस प्रकार का वहाँ बिल्कुल मॉडर्न जो आज हरियाणा प्रदेश में अगर कोई विधानसभा है आदर्श विधानसभा के रूप में विकसित करने की जो योजना सरकार बनाए तो राय विधानसभा हो सकती है। मोहनलाल जी, जाते जाते एक छोटा सा संदेश जनता की आप क्या देना चाहेंगे? मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि प्रजापति ब्रह्म कुमारी की जो बहनें जो अपना सेंटर पर काम करती हैं और वो जो उस प्रकार से धर्म का प्रचार करती है उनका सहयोग भी करें, उनका जो दिखागा मार्ग है उस पर चले, और वास्तव में अगर सुख और शांति को प्राप्त करना है ईश्वर ज्ञान के साथ साथ आदमी अच्छा जीवन जिए इसकी प्रेरणा लेनी है तो हमारी बहनों के द्वारा जो कार्य चल रहे हैं उसमें सहयोग करके इस काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं निवेदन करूंगा सभी बहनों का सहयोग करें। धन्यवाद, शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्ते, मुकेश जी हमारे साथ हैं जो विशेष रूप से अपना जो है MLA को असिस्ट कर रहे हैं, तो आइए इनसे जानते हैं। आज 2 दिन हो गए इनको खास पॉलिटिकल विंग का जो विशेष कॉन्फ्रेंस चल रहा है उसमें आप अटेंड कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है, अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मैं मुकेश त्यागी, राई विधानसभा जिला सोनीपत हरियाणा का रहने वाला हूँ, और मुझे इस ब्रह्म विश्वविद्यालय में आने का मौका मिला। कल से हम ये शिविर अटेंड कर रहे हैं जिसका हमें बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ। हमारे इस ब्रह्म ज्ञान के गुरुजी ब्रिजमोहन जी से हमारी मुलाकात हुई, जिन्होंने हमें बड़ा ही अच्छा संदेश दिया। इस परम पर पिता परमात्मा स्वरूप रूपी विश्वविद्यालय में आके हमें ये प्रेरणा मिली कि सबसे पहले सेवा का भाव, और सेवा के भाव के साथ साथ निस्वार्थ सेवा। हमने उनसे प्रेरणा लेके अपने क्षेत्र में भी की है और आगे भी लोगों को प्रोत्साहित करते रहेंगे। मैं नमस्ते, प्रदीप जायसवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है, और मैं चाहूँगा कि आप अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिए, विशेष दया और करुणा पर जो आपने कार्यक्रम अटेंड किया उसके बारे में बताएं। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के आज का ये जो कार्यक्रम था इसमें राज्यता का सम्मेलन करुणा और दया इस विषय पर रखा गया था। यहाँ आकर बहुत ही आध्यात्मिक माहौल में ज्ञान का संदेश प्राप्त हुआ, योग और आध्यात्मिक शक्ति का हमको जो अनुभूति हुई जी, निश्चित रूप से आज के राजनेताओं में चूँकि बहुत कठिन जॉब होता है और तरह तरह के लोगों में रहते हैं हम लोग, तो इस तरह से करुणा और दया ये भाव के माध्यम से ही लोगों की सेवा की जा सकती है। और इसमें मैं ज़रूर चाहूँगा कि इसमें जितने अच्छी बातें सुनने में आई तो इसमें हमारे लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका, विधायिका,
न्यायपालिका इन सभी में करुणा और दया का भाव होना आवश्यक है। अगर ये सारी चीज़ें हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाती है और साथ ही इसमें अगर आध्यात्मिक योग का भी मिश्रण कर दिया जाए तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आने वाला सतयुग बहुत जल्दी आएगा और भारत जो है एक समृद्धशाली और स्वर्ण भारत के रूप में उभर कर आएगा। तो इस प्रयास के लिए मैं प्रमुख हमारी बहनों को, संगठन के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस अच्छे विषय पर यहाँ पर चर्चा भी रखी और साथ ही यहाँ जितने राजनेता और जनप्रतिनिधि आए हैं उनको ज्ञान की अनुभूति और योग आध्यात्मिक शक्ति का जो संचार लेके जाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी पूरे क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे पीड़ित मानवता में एक अच्छा संदेश जाएगा, लोगों में जागरूकता आएगी और जब सभी लोग इस लोकतंत्र के मेले में काम करेंगे तो विकास की, देश और प्रदेश की विकास की गति बढ़ेगी। तो सभी को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कॉन्फ्रेंस से आपको क्या लाभ मिल रहा है मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा सा आप बताइए कि दो दिन का सत्र शायद आपने अटेंड किया है कॉन्फ्रेंस का जी। तो डॉक्टर नेम सिंह जी मैं चाहूँगा कि आप अपने अनुभवों को साझा कीजिए, इस दो दिन में क्या फील किया। हम लोग बहुत ही इम्प्रेस हैं हमारे सीनियर लोगों से मिलके, हमारे ऐसे माइलस्टोन से बुजुर्ग लोग, सीनियर लोग जिनके अनुभव को हम लोग आंकना चाहते हैं, उस चीज़ को समझना, फील करना चाहते हैं कि किस तरह से हम लोगों को जो मदद देना चाहते हैं वो कैसे परिपूर्ण होगी। उसमें बहुत सारी लोगों की बातें सुनने को मिली हैं और सब लोगों से हम प्रभावित हैं। और जहाँ तक हमें अटेंड करने का सवाल है तो कहीं ना कहीं माइंड में हमारे काम करने के बाद भी ना एक पीस, एक आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता होती है और वो फील मुझे यहाँ करके बहुत अच्छा मिला है। जब से हम हैं दो दिन से यहाँ, हम देख पा रहे हैं कि हमें उस तरह की चिंता नहीं है जिस तरह का हमें वहाँ मशीनी युग जो है, पूरे दिन मोबाइल पर घुसे रहना या भाग दौड़ करना या बहुत सारे लोगों को अटेंड करना। तो ये इस दौर से निकल के, उस भाग दौड़ से ना बच करके एक पीसफुल जीवन जो है, जो इंटरनल जो पीस है वो तभी आएगी जब हम लोग फील करेंगे, जब लोग उस तरह के हम एक्टिविटीज में भाग लेंगे। और यहाँ के वो मुझे अच्छा लगा। चलिए, आप तो देश विदेश में काम करते हैं, इन सारी चीज़ों को देखकर वर्तमान में किस जगह पे काम करने की ज़रूरत है, चाहे युवा हो या व्यक्ति हो, कहीं ना कहीं एक खोज तो है हम सभी का। देखिए, जिस तरह हमने दो दिन की कॉन्फ्रेंस में देखा है, दीदी उषा ने भी वही बातें रखी हैं, हम किसी पॉलिटिकल कटाक्ष पे, किसी सत्ता पे हम नहीं ब्लेम करना चाहेंगे, लेकिन आज देश को जो आवश्यकता है युवाओं को, जो एक तो ये जिस तरह से आज का युवा भटक रहा है, कहीं भी पेशेंस नहीं है, रोड के केसेस बहुत सारे हैं या डिप्रेशन में जाने के बहुत सारे मुद्दे बड़े हैं। हम चाहेंगे कि सबसे पहले जो उनके असली मुद्दे हैं उन पर फोकस किया जाए। आज युवाओं को रोजगार की बहुत आवश्यकता है। जैसे किसी भी राज्य को अगर आप देखें, आप राजस्थान को देखिए, मुझे नहीं लगता कि यहाँ 2 करोड़ से ज़्यादा बेरोजगार यहाँ पर भी घूम रहा है। क्योंकि सत्ता किसी की, वो हमें इससे मैटर नहीं है कि कौन सत्ता पे क्या भेजा हमारा। आप बिहार को उठा करके लीजिए, आप उत्तर प्रदेश को लीजिए, पूरे देश के हालात ये है कि हमारा आज लगभग 27-28% पूरे देश की पॉपुलेशन, वो जो युवा वर्ग है, टोटल खाली है। और उसको एम्पावर करने की जरूरत है, उसको स्टैंड देने की जरूरत है, चाहे वो उसे हम स्टार्टअप के द्वारा दें, उसे बिजनेस के द्वारा दें या नौकरियों के द्वारा दें। और जहाँ तक पॉसिबल हो, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो स्वास्थ्य और एजुकेशन की जिस तरह जिम्मेदारी लेती है, उस तरह से रोजगार को भी उसमें शामिल करें। कुछ न कुछ ऐसा इंतजाम होना चाहिए जिससे कि वो अपने रास्ते से ना भटके, किसी अच्छे उद्देश्य को लेकर उसे देश के प्रति लगाव रखना चाहिए। जी जी, डॉक्टर नेम सिंह जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ कि इन मुद्दों पर अगर सरकार, कोई भी सरकार हो, अगर जैसे एजुकेशन है, स्वास्थ्य है, उसके साथ में अगर रोजगार भी दिया जाए तो निश्चित तौर पे काम बन सकता है। और रोजगार के साथ साथ क्या आपको लगता है कि और भी कुछ देना चाहिए? बाकी तो हमारे भारतीय संस्कृति, जो हम पहले से नैतिक ज्ञान, नैतिक शिक्षाएं देते आए हैं, उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आज हम पाश्चात्य की तरफ ज़्यादा रुझान देख पा रहे हैं हमारे युवाओं का, तो उनको अपनी भारतीय संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। किन चीज़ों पे, किस तरह सुबह उठ करके जल्दी उठने से किस तरह के लाभ है, या योग और योगा में जो फ़र्क है उसको वो समझ पाएँ,
तो मुझे लगता है उनके लिए अच्छा मार्गदर्शन होगा, उनके लिए भविष्य उज्ज्वल रहेगा। जी जी, तो डॉक्टर नेम सिंह जी, इसका मतलब है कि हम सभी को सरकार जो काम कर रही है उसमें तो हमें जुड़ जाना चाहिए, जैसे कि शिक्षा है या फिर स्वास्थ्य है, इस पे काम हो रहा है। अगर रोजगार के भी काम होते हैं उसके बावजूद भी हमें अपने खुद पे भी काम करने की ज़रूरत है। जैसे आपने कहा कि भारतीय जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, उसको भी हम पूरी तरह से समझ लें और उसके अनुसार हम अपने जीवन को चलाएं, तब जाके हम एक अच्छा भारत का निर्माण कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास अगर पैसा भी आ गया, रोजगार भी मिल गया, लेकिन हमारे कैरेक्टर अच्छे नहीं है, तो निश्चित तौर पे हम भारत को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे आप सभी जनता को। मैं इतना कहूँगा कि हमारे देश जिस तरह से हम किताबों में या हम इतिहास में पढ़ते आए कि वह हमारा देश भारत सोने की चिड़िया है, हर तरह से हर फील्ड में वो ताकतवर है, हर तरह से मजबूत है, और आज भी हम और देशों के कंपैरिजन में जाते हैं तो हमारा देश, अगर 200 देशों की बात करें तो हमारा देश 70 देशों से कई ऊपर के उसमें आता है क्वालिटी में। डेवलपिंग कंट्री है, कम्प्लीटली डेवलप इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से जूझना होता है। जिस तरह की अभी 4-5 साल में जो हालात रहे हैं, कोविड का दौर रहा है, उससे पहले रिसेशन रहा है पूरी दुनिया में, तो इन सब चीज़ों से निकलने के लिए यही है कि सरकार की जो पॉलिसीज है, सरकार जिन प्रोग्राम्स को लेके चल रही है उसमें हम लोग सहभागी बने, जितनी NGOs हैं, जितने युवा हैं, जितने इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जिस तरह आपकी संस्था पूरे देश भर में काम कर रही है, पूरी दुनिया में काम कर रही है, उसी तरह से सरकार के सहयोगी बनके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुँचाए। ओम शांति, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कर्नल उदय सिंह जी उपस्थित हैं, जिनसे हम लोग विशेष यहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज के कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं, तो उन्हें काफ़ी अच्छा जो है यहाँ का मैनेजमेंट लग रहा है। तो मैं चाहूँगा कि उदय सिंह जी, आप बहुत बहुत स्वागत है और अपने विचार हमारे साथ शेयर कीजिए, आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है। ओम शांति। पहली बारी लाइफ में कंटोनमेंट, आर्मी कंटोनमेंट से सुंदर जगह देखने को मिल रही है। साफ सफाई जितनी यहाँ पे है वो आर्मी कंटोनमेंट में उतनी नहीं मिलती है। आर्मी में तो बाई ऑर्डर हर एक काम किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो वॉलेंटियर भाई हैं और जो बहनें हैं वो ऑल ओवर इंडिया से आते हैं और अपनी खुशी से अपने आप ही पूरे एरिए को इतना सुंदर चमका दिया इन्होंने कि देखने में जो भी कोई आदमी बाहर से आता है उसको लगता है कि ये दूसरा ही वर्ल्ड है। और इसको बोलते हैं कि क्लीनलीनेस इज ए गॉडलीनेस। अगर आपका पूरा वातावरण आसपास, आपका जितने भी पेड़ पौधे आपने लगाए हैं वो इतना साफ सुंदर है कि कंटोनमेंट से भी सुंदर बनाया। और मुझे बड़ी खुशी है इतना सुंदर वातावरण देखने के बाद कि हम भी चाहेंगे कि सभी लोग यहाँ से एक शिक्षा लेके जाएं और जहाँ पे भी वो रहें देश में, उस जगह को भी इतना ही सुंदर बनाएं, पेड़ पौधे लगाएं, साफ सुथरा रखें। स्वच्छ भारत अभियान जो प्रधानमंत्री जी ने एक बार चलाया था वो कंटिन्यू रहना चाहिए, उससे पूरा का पूरा इंडिया एक बहुत सुंदर कंट्री होगा। ओम शांति। थैंक यू कर्नल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। NSD से हमारे साथ डिप्टी कमांडेंट कमल कुमार जी उपस्थित हैं और पेशे के साथ साथ एक पेंटर भी हैं। आइए उनसे जानते हैं, आज विशेष ब्रह्म कुमारी इसमें विशेष इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड किया उन्होंने, तो उनके मनोभावों को सुनते हैं। कमल कुमार जी, स्वागत है। नमस्कार, ओम शांति। जैसा कि पिछले 3 दिनों से मेरे को मेरे विभाग द्वारा यहाँ पे नॉमिनेट करके भेजा गया था, और जब मैं यहाँ आया तो मुझे लग रहा था कि जाने वहाँ क्या होगा, पहले दिन बहुत प्रश्न थे, लेकिन आज लगभग 3 दिन के क्लासेस सेशंस अटेंड करके और ये जो वातावरण है जिसको मैं अगर किसी स्वर्ग की तुलना करूँ, कि स्वर्ग तो देखा नहीं, अगर यहाँ पे आके रह लें तो कोई इसको स्वर्ग भी कह सकता है। ना यहाँ किसी को द्वेष है, ना किसी से कोई दुर्भावना है, सब प्यार से हर कोई चेहरा हंसता हुआ दिखता है, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। रही बात यहाँ पे आके क्या सीखा हमने,
वो इतनी गहराई है उसकी, उसको सीखने के लिए शायद एक जिंदगी भी पूरी कम पड़ जाए, लेकिन जितना मैं सीख पाया मुझे लगता है कि एक आम इंसान में और जो आदमी यहाँ जुड़ता है ओम शांति से, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क उसे खुद पता लगता है जब वो मेडिटेशन करता है। हमें खुद पता लगता है कि हमारे अंदर कितनी हलचल मची हुई है, जिसको शांत करने के लिए हमें किसी न किसी को या तो गुरु बनाना है और या किसी न किसी ऐसे संस्थान से जुड़ना ज़रूरी है जो हमें राह दिखा सके। और मुझे लगता है कि ब्रह्म कुमारी से बेहतर शायद, हालांकि मैंने कहीं और नहीं किया, लेकिन मैं चाहता भी नहीं कि इससे अच्छा कहीं और मैं जाऊं या कुछ और मुझे अच्छा मिलेगा। जो सबसे बेटर चीज़ मुझे यहाँ लगी, जो मेडिटेशन है उसको करना जो सिखाते हैं वो सबसे बेस्ट चीज़ लगी। और इसके अलावा कैसे शांत रहना है, मैं अपनी जॉब में कई बार हमें लगता है कि हम इरिटेट हो रहे हैं, लेकिन जो सिखाया गया उससे लगता है कि हम प्यार से भी अपने काम जो है पूरे कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी अगर सरकारी नौकरी में नहीं हो, बिजनेस में हो, जैसे मैं आर्ट करता हूँ, तो कई बार मेरे को लगता है कि मुझसे आर्ट में कई बार चीज़ें अचीव नहीं हो पाती हैं, तो ऐसा लगता है कि क्यों नहीं हो रही हैं। तो उसमें भी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए ये मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में मैं इस फील्ड में भी और अपनी जॉब में भी और बेहतर कर पाऊँ, जिसके लिए मैं पूरा श्रेय जो है यहाँ ब्रह्म कुमारी इसके जो हमारे गुरु उनकी टीम को देता हूँ। ओम शांति।